हेलो डियर फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एपिन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में हमारे नाउन के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, हमेशा कि मैं इंग्लिश की वीडियो बनाता हूँ तो ना सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चे बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी, कॉम्पिटिशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं वही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम दे करके जाओगे तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम जरूर देना होगा, क्वालिफाई करना होगा आगे पढ़ाई के लिए। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये ना सोचे कि आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। हालांकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आज बताऊँगा, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले भी इस पर ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो ना सिर्फ मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इंग्लिश में आपको सब मिलते रहेंगे। तो फिर आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें फ्रेंड्स। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए इंग्लिश में लेकर के आता हूँ डेफिनेशन। तो देखिए, नाउन का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता होगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में भी जरूर बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ है क्या है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। आइए फ्रेंड्स, का हम देखते हैं कि हिंदी में क्या अनुवाद कर सकते हैं। तो हमारा यह हो जाएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, क्वालिटी यानी यहाँ पर क्या आया दोस्तों, गुण, कंडीशन यानी दशा, और एंड एक्शन मतलब क्या होता है, कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ एग्जाम्पल, तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है। मैंने आपको बताया पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, इसके नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो ये देखते हैं हमारा पर्सन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा मुकेश जो है ये हमारा क्या है, पर्सन है। पटना क्या हो गया, प्लेस हो गया। थिंग क्या हो गया, थिंग हमारा पेन हो गया दोस्तों। क्वालिटी यानी ऑनेस्टी, देखिए दोस्तों ईमानदारी, यानी कि ऑनेस्टी जो होता है वो क्या होता है, क्वालिटी है ना, कि हाँ यार वो बंदा बहुत ईमानदार है, वो बंदा पढ़ने में बहुत तेज है, तो क्या हो गया हमारा, क्वालिटी हो गया फ्रेंड्स। कंडीशन यानी कि इलनेस, यानी कि क्या है, वो बीमार है, बीमारी, बीमारी क्या हो गया फ्रेंड्स, एक तरीके से कि हमारा कंडीशन हो गया। ठीक है, एक्शन की बात करें तो मूवमेंट यानी कि गति, यानी कि हम जो गति करते हैं, चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया, यानी कि मूवमेंट। आप लोग भी देखते होंगे एक्शन मूवीज, एक्शन मूवीज में लोग क्या करते हैं, मारपीट करते हैं, यानी बहुत ज्यादा मोशन रहता है, बहुत ज्यादा गति रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम नाउन के बारे में जानते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी ऐसे लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, नाउन तो दो दो टाइप के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं गणनीय संज्ञा, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। दोस्तों ध्यान दें, नाउन तो दो टाइप के होते हैं, बट इनके तीन पार्ट्स होते हैं, काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन के टू पार्ट्स होते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन के टू पार्ट, थ्री पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है फ्रेंड्स हमारा प्रॉपर नाउन। फ्रेंड्स, मैं आपको इस इन सब के बारे में, इन सब का डेफिनेशन, इन सब का एग्जांपल दूंगा इसी वीडियो में, तो हमारे वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप इसे पढ़ के जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, और अगर आप इसे पढ़ के जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी हो गया जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, ये तो हमारे काउंटेबल नाउन के थ्री पार्ट्स थे, आइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के टू पार्ट्स हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वन इज मटेरियल नाउन जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये फ्रेंड्स हम इनके बारे में जानते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि नाउन टू टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन। तो ये फ्रेंड्स हम पहले काउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं और इसके जितने पार्ट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन का देखिए डेफिनेशन क्या होगा, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, यानी कि वो संज्ञाएं जो कि गिनी जा सकती हैं, क्या कहलाती है हमारी काउंटेबल नाउन कहलाती है, जैसे वीना, गर्ल, क्लास, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, काउंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन कहलाता है। आइए इसके देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, तो हमारा फर्स्ट पार्ट था प्रॉपर नाउन। तो आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। तो द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने आपको प्रॉपर नाउन को मतलब क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब था व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो वे संज्ञा है जो डिनोट करती है क्या, प्रॉपर पर्सन, व्यक्तिवाचक
किसी व्यक्ति को, प्लेस को और थिंग को। ठीक है, आइए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। सर प्रॉपर पर्सन क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विनय, अजीत, नीलू, यानी कि नेम, हमारे नेम क्या हो जाएंगे? प्रॉपर पर्सन हो जाएगा। प्रॉपर प्लेस क्या हो जाएगा? तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एटसेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, पटना भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। प्रॉपर थिंग हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर वस्तु क्या है हमारा, व्यक्ति हो जाएगा वस्तु, तो हमारा रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, ये सब हमारे क्या है? प्रॉपर थिंग है। आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं जिसका जो सेकंड पार्ट था, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेसेस और थिंग्स, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेसेस और थिंग्स, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। भाई मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स का एग्जाम्पल देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे कॉमन पर्सन क्या होंगे? मैन, वुमेन, क्या हो गया हमारे? कॉमन पर्सन हो गए। कॉमन प्लेस हमारा क्या हो गया? टाउन यानी कस्बा और स्कूल। ठीक है, कॉमन थिंग हमारा क्या हो गया? बुक हो गया, टेबल हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया? कॉमन थिंग हो गया। और फ्रेंड्स थर्ड वन हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो ये हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। भाई हम जानते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में क्या होता है। जैसे दोस्तों हम बोल सकते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि क्या हो गया? गुच्छों में हम बात करते हैं, जैसे कि किसी मतलब कुछ प्लेयर्स का टीम हमारा, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो टीम हमारा क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया। ठीक, यानी समूह एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक, फिर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों से भरा हुआ क्लास भी हमारा क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या क्या होते हैं। तो अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का गुच्छा। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों का लाइब्रेरी, संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं सेकंड, यानी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के बारे में मैंने जाना, पहले तो हमने नाउन के बारे में जाना, फिर काउंटेबल नाउन के बारे में जाना। काउंटेबल नाउन के थ्री पार्ट जो जो होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में हम जाने। हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन का। तो देखिए मैं डेफिनेशन क्या लाया उसका, तो द नाउन्स विच कांट बी काउंटेड, यानी कि वे नाउन, वो संख्या जो काउंट नहीं किए जा सकते, वो हमारे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स गोल्ड है, गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर, पानी, ऐसी चीजें जिसको कि हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। ऑयल को काउंट नहीं कर सकते। कॉफी, ऑनेस्टी, एटसेट्रा, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम बात करें राइस की, तो राइस को तो काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि इतने सारे होते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि राइस ऑफ दिस शॉप, राइस ऑफ दिस शॉप का मतलब हो जाए दोस्तों इस शॉप का राइस, तो वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा, ना कि अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि अगर किसी शॉप में राइस रखा होगा तो उनको पता होगा कि वो कितना किलो है, उसका वेट कितना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन कब होगा? जब बोला जाएगा ग्रुप ऑफ राइस या फिर ढेर सारे राइस के बारे में बोला जाएगा, तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ये बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं। फर्स्ट वन इज मटेरियल नाउन होता है दोस्तों। ये क्या होता है हमारा? तो द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, यानी वे नाउन्स जो डिनोट्स करते हैं किसको? मटेरियल्स को। जैसे फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी एटसेट्रा, ऐसा हमारा क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ध्यान दीजिएगा, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें, आप हमें अपना प्यार दें, हमें कमेंट करें, हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं आप जरूर बताएं। और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया तो बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हर बच्चे इतना नहीं होता है कि वो कोचिंग क्लासेस जा सके। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस बात को कि आप लोग विदाउट कोचिंग के भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं सिर्फ हमारी वीडियोस देख करके। और ना सिर्फ इंग्लिश में, मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, बाकी सब में भी हम वीडियोज आपको दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।